देखिए दीदी इधर बना बना के रख रही है, हम भी एगो बनाए हैं, देख लीजिए इस तरह से। आटा बकिया के लिए थोड़ा सा टाइट ही सानना पड़ता है जैसे रोटी में होता है। तो दीदी आज नाश्ते में ये बनाई है, तो आप लोग भी आ जाइए खाने। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दीदी अभी गई है किचन की तरफ, तो दीदी कुछ खाने में स्पेशल चीज बना रही है। तो क्या चीज बना रही है चलिए आप लोग को मैं दिखाती हूँ स्पेशल में। ये हम आ चुके हैं अपना किचन की तरफ, देखिए दीदी क्या कर रही है, इधर क्या बना रही है। देखिए दीदी इधर गमले में आटे ले हैं, आटा का हम मतलब कुछ अलग तरीका से कुछ बना रहे हैं। आटा का हम बगिया बनाएंगे, आटा का बगिया। आप लोग कौन कौन खाए हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा, आज हम वही बनाएंगे, आटा का बगिया बनाएंगे। तो हम अभी पहले आटा को हम गूंथ लेंगे अच्छे से। तो देखिए इधर दीदी आटा गूंथ रही है, पहले हम तो देखिए दीदी अच्छे से गूंथ ली है एकदम। इसको गूंथ के हम अच्छे से रख देते हैं, अभी चूल्हा जलाएंगे। चूल्हा जला रही है इधर, तभी चूल्हा जलेगा, इसके बाद बनेगा बगिया, दीदी बनाएगी। तो हम लोग आज बगिया खाएंगे, बहुत ही मजा लगता है खाने में, मतलब क्या ही बताए, बहुत ही मस्त लगता है। सो इधर देखिए चूल्हा जल गया है, तो दीदी अभी कढ़ाई चढ़ा रही है कढ़ाई गर्म होने के लिए। कढ़ाई में ही बगिया बनेगा ना, कढ़ाई में बगिया बनेगा और कुछ अलग तरीका से भी बनाएंगे हम बगिया। पानी डालेंगे, धुआं लग रहा है। तो देखिए आज बना रहे हैं बगिया, पंचक्का बगिया बना रहे हैं, पानी में मतलब छाक के बनाएंगे, पानी पहले पानी में उबाल आ जाएगा। पता भी मतलब कि क्या ही बताएं, दीदी अभी पानी डाल रही है, जैसे पूरी को छाना जाता है उसी तरह से बगिया को दीदी पानी में छानेगी। पूरी को तो तेल में तला जाता है, मतलब छानती उसी तरह, मतलब उसी तरह ही प्रोसेस इसका बनाने का, पानी में ही छानेगी, पानी में ही पकाएंगे। तो हम लोग गांव में वैसा हम बोलते हैं, मतलब कि हम लोग बोलते हैं पंचक्का बगिया, पानी में छाक के जो बनाते हैं। दीदी इसको बगिया के लिए गोना काट रही है, और इधर पानी भी गर्म हो रहा है कढ़ाई में, तब तक दीदी इधर बनाएगी। गोना काट लेते हैं जैसे रोटी का नहीं काटते हैं, गोना बनाते हैं उसी तरह हम काट रहे हैं। तो देखिए दीदी इधर बना बना के रख रही है, हम भी एगो बनाए हैं, देख लीजिए इस तरह से हम बनाए हैं। दीदी का दूसरा शेप है, मेरा दूसरा शेप दिए हम यहाँ पर खाली में। तो दीदी और बना रही है, बना सकते हैं कोई सा, देखिए दीदी भी मेरे तरह ही शेप दी एगो, अपना मन जिस शेप में बनाना चाहते हैं। तीन शेप जानते हैं बनाने के लिए, एक गोल होता है, एक होता है दोनों साइड, मतलब कि थोड़ा थोड़ा मतलब निकालना पड़ता है लोड़की। एक ऐसा होता है, एक ऐसा डिजाइन, एक ऐसा। आप लोग तो ये दो गो जान लिए, और एक देखिए दीदी बना रही है गोल जैसा, गोल बनेगा इसका। तभी देखिए कढ़ाई में पानी भी गर्म हो रहा है, पतला मीडियम, मतलब कि थोड़ा सा मतलब पतला पतला ही बनाएंगे तो अच्छा लगेगा खाने में, नहीं तो मोटा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी पानी में सारे को बना रही है, मतलब सारा आटा जो भी खोलेगा नहीं पूरा तो अभी नहीं डालेंगे। देखिए पानी में भी उबाल आ चुका है, बहुत ही अच्छे से अभी उबलने वाला है, मतलब और उबल रहा है गर्म, आज भी दीदी बहुत ज्यादा लगाई हुई है, उबलने के लिए लगाया है पानी, जब तक उबलेगा नहीं बना तो। इतना सारा दीदी कर ली है, मतलब थाली में इतना सारा, देखिए और बनाने के लिए है, तभी पानी में और खोलेगा पानी तभी डालेगी दीदी। अब डालने लग हो गया है तो अभी हम डालेंगे इसमें, एक खोल रहा है पानी, अभी खोलना स्टार्टिंग हुआ है। तो दीदी बना बना के अभी डालेगी, देखिए डाल रही है पानी में, देखिए कैसा आता है उबाल डालने के बाद, एकदम लगता है तेल में फ्राई होने के गया है। कौन कौन खाए आटा का बगिया आप लोग देखना, ध्यान कमेंट कीजिएगा, जो जो नए खाए आप लोग आ जाइए हमारे घर खाने के लिए। आज तो देखिए दीदी डाल रही, इतना सारा डाल दिए, सब एक बार में डाल देंगे तो इसका मतलब चेक करने का तरीका आप लोग को हम बताएं, कैसे पता कर सकते हैं कि हो गया है पक गया है।
जैसे किसी किसी को नहीं पता रहता है तो कैसे मतलब कि कैसे इसको पक गया है, कैसे इसको जांच करें, तो इस तरह से ही हम लोग जांच करते हैं। बता पानी में जो है ना तैरने लगता है, ऊपर आ जाता है, पानी के ऊपर आ जाएगा, हो गया है। बीच बीच में चलाना भी चाहिए, वैसे तो पलट जाता है बोट अपने से, उबलता है ना। बहुत ही मस्त पक रहा है अभी कढ़ाई में, इसको निकालेगी बढ़िया से। पक चुका है हमारा बल्गिया, बन के रेडी हो चुका है पहला वाला। तो दीदी अभी एक एक करके पानी से मतलब पानी जो एक्स्ट्रा पानी होता है सारा निकाल के दीदी ऐसे करके निकालेगी थाली में। देखिए दीदी सारा निकाल लिए है, देखिए थाली में इधर लीजिए, बन के रेडी हो चुका है। ये वाला देखते हैं दीदी, अभी दूसरा वाला डाल रही है ताकि ये वाला ही पकेगा तब तक। अभी फिर इधर है थोड़ा सा बनाने के लिए, तभी बनाएंगे ये वाला भी। तो देखिए पक चुका है, तो दीदी अभी निकाल रही है ये वाला भी, बढ़िया से पक चुका है। इधर देखिए थाली में दीदी ये वाला थाली में ट्रांसफर कर दी है, तो वो वाला थाली में निकाल रही है, हो चुका है इसीलिए इधर सटा दिए। बहुत ही सिंपल तरीका से हम बनाए आज बगिया, आटा का बगिया। इस तरह चावल का भी बगिया बना सकते हैं। अब खत्म हो गया, लास्ट वाला दे दिए हैं, तभी ये वाला अभी पकेगा, तब इसके बाद हम लोग खाएंगे। तो देखिए दीदी इधर चला रही है, चला चला के पका रही है, हो गया है क्योंकि भूख भी बहुत जोर से लगा है। तुमको लगा है, छोटी को भूख लग गया है इसलिए तो देखिए अभी पका रही है। अभी लगता है क्या दीदी जान बूझ के दीदी ऐसे पका रही, हमको भूख लगा है जल्दी निकाल ले रही है क्या, तभी निकाल रही है बोले तब। हो जा रही दीदी सारा गपला में ही रखेगी अभी, तो हमको बहुत जोर से भूख लगा है दीदी दोनों खाने के लिए। देख रहे हैं ना आप लोग कितना भूख लगा है छोटी को, इतना लेट कर रही है, हमको भूख लगा है। लेट कहाँ कर रहे, बहुत फास्टिंग बन के रेडी हो चुका है। देखिए इतना सारा भी मतलब बगिया बन चुका है, और इधर है ये वाला भी इधर रखो। चलिए अभी हम लोग खा रहे हैं, देखिए लीजिए आप लोग खा लीजिए। बताओ ना कैसा लगा टेस्ट करके अचार और मीठा लगता है। गेहूं का आटा का बगिया है तो मीठा ही लगेगा ना, बहुत ही मस्त लगता है उसका खाने में। भी खा लेते हैं हम लोग। तो देखिए अभी हम लोग खा रहे हैं, बहुत ही मस्त लगता है। अगर आप लोग भी ट्राई कीजिएगा एक बार प्लीज, मतलब कि बहुत ही मस्त लगता है। आप लोग हम लोग गांव में लोग तो भी एक बार इसी तरह बना के ट्राई कीजिएगा, इसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब नहीं है कुछ। पांच छक्का में बनाया जाता है, पानी में पानी को उबाल आ जाएगा, उसके बाद डाल दीजिएगा आप लोग तो बन के रेडी हो जाएगा। तो अभी हम लोग खाते हैं, हमसे रहा नहीं जा रहा, हमको बहुत जोर से भूख लगा है। अचार के साथ में मजा है कुछ और है। तो अभी हम खाते हैं, तो हम लोग खा लिए हैं आटा का बगिया और अचार, बहुत ही टेस्टी लगा खाने में, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग जो जो नहीं खाए हैं एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो आप लोग को मेरा आटा का बगिया का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, आशा करता हूं आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।